आखिर कौन है प्रधानमंत्री के साथ खड़ा यह शख्स जिसके पीएम के साथ खड़े होने से आग बबूला हो रहा है चीन और पाक। कौन है यह आदमी जिसके पीएम के साथ आने से चीन और पाकिस्तान को लग रही है मिर्चियां। आखिर कैसे यह शख्स बदलने वाला है भारत की तस्वीर, सब कुछ बताएंगे इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर ने दुनिया में हंगामा मचाया हुआ है। इस तस्वीर में पीएम मोदी से जो शख्स मिल रहा है उसके पीछे दुनिया पड़ी हुई है, लेकिन यह शख्स पीएम मोदी के साथ हाथ मिला रहा है। इस शख्स से मिलने के लिए कई देश और बड़ी बड़ी कंपनियां पागल हो रही हैं, लेकिन यह पीएम मोदी के साथ बैठे हुए हैं। दरअसल यह शख्स जेन सेंग हुआंग है। ये एआई चिप यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप बनाने वाली एक अमेरिकन कंपनी एनवीडिया के संस्थापक और सीईओ हैं। आप हर जगह आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सुनते आ रहे होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले समय में दुनिया की पूरी तस्वीर बदल देगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सीधा मतलब यह है कि इसमें एक मशीन को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के जरिए इतना बुद्धिमान बना दिया जाता है कि वह इंसानों की तरह सोच समझकर फैसला ले सकती है। अब ऐसी तकनीक्स में एआई चिप का इस्तेमाल होता है और यह चिप एनवीडिया बनाती है। आपने अभी तक एनवीडिया का नाम शायद ना सुना होगा, लेकिन यह दुनिया की छठी सबसे कीमती कंपनी है। शेयर बाजार में एनवीडिया की कीमत $1 ट्रिलियन है, यानी रुपए में इसका हिसाब लगे तो इसकी कीमत 82 लाख करोड़ रुपए है। शेयर बाजार में एनवीडिया एलोन मस्क की टेस्ला और मार्क जुकरबर्ग की मेटा से भी ज्यादा कीमती कंपनी है। अब इसी एनवीडिया कंपनी के मालिक ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। जेन सेंग हुआंग ने भारत की दो बड़ी कंपनियों के साथ मिलकर काम करने की घोषणा भी कर दी है। आप अंदाजा लगाइए कि माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी दुनिया की बड़ी टेक कंपनियां एनवीडिया से ज़्यादा चिप लेने की कोशिश में लगी हुई हैं। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश हजारों चिप खरीद रहे हैं। चीन की कंपनियां टेंसेंट और अलीबाबा भी एनवीडिया के दरवाजे पर खड़ी हैं, लेकिन एनवीडिया के मालिक पीएम मोदी के पास पहुंच चुके हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में एनवीडिया द्वारा बनाई गई एआई चिप्स की जबरदस्त मांग है। वैसे तो यह कंपनी पिछले 30 सालों से काम कर रही है, लेकिन अचानक इस कंपनी की किस्मत तब खुल गई पिछले साल नवंबर में लॉन्च हुई चैट जीपीटी ने एनवीडिया का भाव बढ़ा दिया। चैट जीपीटी जैसे एआई सिस्टम को तेज और सस्ता बनाने के लिए खास एआई चिप डिजाइन की गई है। अब इसी की वजह से एआई की डिमांड जबरदस्त बढ़ गई है। आपको बता दें कि एनवीडिया भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर भारतीय भाषाओं में ही एआई के मॉडल तैयार कर रही है। इससे करोड़ों भारतीय ग्राहकों को फायदा होने वाला है। भारतीय लोगों को उनकी भाषा में जानकारी मिल सकेगी, जैसे किसानों को उनकी बोली या भाषा में मौसम की जानकारी मिल पाएगी।